कनेर का पौधा लगभग सारा साल अपनी ग्रोथ बनाए रखता है और पूरा साल फूल भी देता रहता है। इस पौधे को ओलियंडर प्लांट के नाम से भी जानते हैं। ये एक कॉमन प्लांट है जो भारत के लगभग हर हिस्से में पाया जाता है। रोड साइड या रोड डिवाइडर्स पर इन पौधों को आसानी से देखा जा सकता है। आमतौर पर इस तरह के पौधों की देखभाल करने में किसी तरह की समस्या नहीं होती, लेकिन किसी भी पौधे की मिट्टी, धूप, पानी और भोजन की जरूरत के बारे में जानकारी रखना जरूरी होता है, खासकर तब जब आपका पौधा गमले में लगा हो। आज की वीडियो में कनेर के पौधे की बहुत कम लेकिन जरूरी देखभाल के बारे में बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करें अगर इसकी प्रोपेगेशन की, तो इसकी स्टेम कटिंग्स को मिट्टी या पानी दोनों मीडियम में आसानी से उगाया जा सकता है। बरसात के मौसम में इसकी कटिंग्स को उगाया जाए तो ये बहुत जल्दी अपनी ग्रोथ शुरू कर देती है। बात करें सॉइल मिक्स की, तो किसी भी तरह की मिट्टी में ये पौधा आसानी से चल जाता है। खैर, गमले की मिट्टी तो हमेशा ऐसी होनी चाहिए जिसमें बरसात का पानी नहीं टिके। गमले में लगे कनेर के पौधे की केयर का अगर कोई सबसे जरूरी पॉइंट है तो वो है इसकी धूप की जरूरत। गमले को किसी ऐसी जगह पर रखें जहां इसे पूरे दिन की धूप पूरे साल मिलती रहे। बहुत ज्यादा ठंडा मौसम होने पर इस पौधे की ग्रोथ थोड़ी कम होती है, बाकी के दिनों में इसकी ग्रोथ भरपूर बनी रहती है। बात करें पानी की जरूरत के बारे में, तो बोगनविलिया के पौधे की तरह इस पौधे को भी ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी होने पर इसे आप सुबह शाम पानी देते रहें, खासकर उन दिनों में जब इस पौधे पर फूल आ रहे हैं। पानी देने से इन पौधों के फूल ज्यादा दिनों तक खिले रहते हैं। यह पौधा एक गुच्छे के रूप में फूल देता है और जब ये फूल स्पेंट हो जाते हैं तो वहीं से एक नया गुच्छा तैयार हो जाता है। यह पौधा काफी ऊंचाई तक बढ़ जाता है, तो गमले में लगे पौधे की अगर आप प्रूनिंग करते रहेंगे तो इस पौधे में साइड ब्रांचेस भी ज्यादा आएंगे और फूल भी। अगर इसके लिए किसी फर्टिलाइजर की बात करें तो इस पौधे को किसी भी तरह के फर्टिलाइजर की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फूलों की संख्या या फूल का आकार बढ़ाने के लिए अगर महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट या गाय की गोबर की खाद एक गमले में एक चम्मच भी देंगे तो इसके लिए काफी रहेगा। बरसात के दिनों में इस पौधे पर फंगस अटैक ना हो, किसी भी ऑर्गेनिक फंगीसाइड का प्रयोग इस पौधे पर करते रहना चाहिए। फंगस की वजह से इस पौधे की पत्तियां पीली नजर आती हैं और ये पत्तियां गिर भी जाती हैं। कनेर के पौधे की ऊंचाई अधिकतम 6 से 8 मीटर तक बढ़ जाती है और इसके अलावा कनेर का पेड़ 20 से 30 साल तक जीवित रह सकता है। कनेर का पौधा काफी जहरीला पौधा होता है, तो इसे खासकर बच्चों और पालतू जानवरों से दूर रखना चाहिए। जहरीला होने की वजह से इस पौधे की पत्तियों और छाल को कीटनाशक बनाने के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इस पौधे का किसी भी तरह से सेवन नहीं किया जा सकता, लेकिन बाहरी इलाज के लिए यह एक अच्छा पौधा है। इसकी जड़ का पाउडर बनाकर बवासीर और अल्सर जैसे रोगों का बाहरी इलाज किया जा सकता है। चर्म रोगों के इलाज के लिए कनेर का बाहरी उपयोग करना ठीक रहता है। इसके अलावा इसके फूलों का प्रयोग सजावट के लिए किया जाता है। रंगों के हिसाब से कनेर की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें सफेद, लाल, पीला और गुलाबी रंग प्रमुख हैं। कनेर के पौधे की ड्वार्फ वैरायटी भी आती है, जिसकी पत्तियों का आकार छोटा होता है और वो पौधा गमले में खूबसूरत दिखता है। दोस्तों, मेरे पास कनेर के पौधे की एक वैरायटी अवेलेबल है। आपके पास कौन सी वैरायटी है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आशा करता हूँ ये कनेर के पौधे की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सब्सक्राइब करें गार्डन साइंस चैनल को। अपना ख्याल रखें। हैव अ गुड टाइम।